आज इस समय भाई लीला राम जी का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का एक जन क्रांति का रूप ले चुका है और पूरे कैथल हल्का के लोगों में इतना उत्साह है कि वो परिवारवादी लोगों को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं, मूड बना चुके हैं। इस तरह से आप लोगों ने काफिला, ट्रैक्टरों का काफिला, इतने लोग गाँव में भी खड़े हैं, पूरा का पूरा गाँव एक तरफा है और कठवाड़ गांव के ने तो पिछली बार भी एक निर्णायक भूमिका अदा की थी और उसी रोल में इस बार दिखाई दे रहे हैं कठवाड़ और धोस गांव के लोग। मंडी की बात करें, आप कीमे मंडी से पहचान है, आज रणदीप सुरजेवाला जी मंडी में डोर टू डोर जा रहे हैं, कई जगह उन्हें लड्डुओं से तोड़ा गया और कुछ हड़ती ये भी कह रहे हैं 51,000 वोटों से आदित्य सुरजेवाला जीत रहे हैं। वो धोखा दे रहे हैं आदित्य सुरजेवाला को, रणदीप सुरजेवाला को सारे। जो मंडी में जो कुछ देख रहे हो आप, देख के मैं भी देख के आया हूँ, वो सारी नौटंकी है, ड्रामा है। सुरजेवाला के पास बाहर का जन है, लूट का धन है और इधर लीलाराम के पास असली जन है और असली धन है, बिल्कुल ओरिजिनल है। वो सारा ड्रामा चल रहा है कि भाई अपनी लड्डू की पेटियां हैं, अपनी मालाएं हैं, अपनी कांटे हैं, वो पांच पांच दुकानें छोड़ करके एक एक दुकान पे रख दिया और ऐसा ड्रामा दिखा दिया भी सारी मंडी एक तरफ है। व्यापारी लोग हैं ये, थोड़ा दिखावा करने के लिए, क्योंकि इसने भय का माहौल बना देता है जब भी ये सरकार में आता है। लोगों को आशंका होती है कहीं भी सरकार में आ ना जाए ये, और सरकार में आके हमें तंग ना करे, इसलिए एक बार इसके हाजिरी लगा लेते हैं। आपकी पुत्रवधू भी चेयरपर्सन है नगर परिषद की, आपके मतलब जो साथ थे पार्षद वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है उनकी नाराजगी का? नाराजगी का कारण नहीं है, ये तो अवसरवादिता है उन लोगों की और उस अवसरवादिता का उनके वार्ड में हमें ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है, उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। जी। लोगों ने उनको भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट समझ के बनाया था, न्यूट्रल रहने के लिए बनाया था, तो अब वो अवसरवादी होकर के किसी पैसे के लालच में उधर जा रहे हैं, तो उसका रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन का फायदा भाई लीलाराम को, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले जो हमारे महासम्मेलन थे अग्रवाल महासम्मेलन था उसकी तैयारी में लगे रहे, फिर उसके बाद ब्राह्मण महासम्मेलन था और फिर पंजाबी महासम्मेलन, उनकी तैयारी में लगे हुए, अब फ्री हुए थे तो चलो विधायक जी के साथ। विरोधी तरह तरह की चर्चाएं करने लगे थे, उनको क्या कहना चाहोगे? विरोधियों का काम तो कुछ भी, देखो मैं बताता हूँ, शक का कोई इलाज नहीं होता। आज हमारी उपस्थिति इस बात को दर्शा रही है, क्या है, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कमल को फूल खिलाने का काम करेंगे। लोग देख लो आगे भी और पीछे भी काफिले की लाइन, और ये लोगों में जोश और उत्साह बता चुका है, ये मतलब क्लियर एक मैसेज है कि लोगों ने जो अपना प्यार, अपना स्नेह वो लीला राम जी के प्रति उसको आज प्रकट किया है, व्यक्त किया है। आप देख रहे हो पीछे अग्रवाल सम्मेलन भाई सुरेश जी गर्ग ने किया, उसके बाद एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, उसके बाद एक विशाल पंजाबी महासम्मेलन हुआ। उस पंजाबी सम्मेलन में भी आपने देखा था, देखा होगा कि 4,000 से 5,000 की संख्या थी, जिसमें पूरे शहर से व्यापारी वर्ग, जैसा कि भाई सुरेश गर्ग जी बता रहे थे, उनमें डर और भय का माहौल पैदा करके उनके वोटों को हथियाने का कार्य किया जाता और किया जाता रहा पहले इनके द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलती है, पूरा उन्होंने समन्वय बना रखा है पूरे हर एक जिले में, हर एक प्रदेश में, देश में, मतलब कास्ट फैक्टर जितने भी हैं सब उनको लेके चले हुए हैं। आदित्य सुरजेवाला कहते हैं भी हम राज कैथल में लाकर रख देंगे। ना ना, राज रूज तो देखो वो बेशक से कह रहे हो तो आपका मन जानता है, कैथल में राज, पहली बात तो कैथल में टिकट ही नहीं आई, जो वो अपनी टिकट मांगते थे रणदीप सुरजेवाला जी। सुरजेवाला अब सीएम बनने की बात, सीएम बनने की बात, हम मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि रणदीप सुरजेवाला खुद की टिकट मांग रहे थे, खुद की टिकट तो मिली नहीं, राज कैथल में कहां से आ जाएगा। बेटे की टिकट मिली, वो भी बड़ी मुश्किल से, जैसा कि मैं बताता हूँ कि 24 तारीख को कहीं किसी के पास हम बैठे थे तो उन्होंने क्लियर कहा कि भाई इनकी टिकट डिक्लेयर नहीं होगी, जो हमारे तो बिल्कुल जैसे एक वो, जैसे हम किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ लेते हैं, वो ये बता देते हैं कि हाँ जी अब आपका ये ऐसा ऐसा ग्रह चाल चल रही है, तो उन्होंने वो कहा था कि 12 तारीख को 11 बजे इनकी टिकट डिक्लेयर होगी, तो वही बात है कि 4 घंटे पहले टिकट डिक्लेयर हुई,
11 तारीख को रात को 12 बजे टिकट डिक्लेयर हुई, बस 11 और 12 तो सेम थे, सिर्फ उसका फर्क था। तो कोई राज के उसमें ये नहीं, मैं नहीं मानता कि कभी भी कांग्रेस पार्टी में इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। कैथल की जनता से पूछ लो रिजल्ट, ये बता रही है 20,000 वोट से कम लीला राम जी चुनाव जीतेंगे, आप नोट कर लो। आज का जो ये चुनाव है, ये चुनाव कोई MLA या मंत्री बनने का चुनाव नहीं है। आज का ये 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है, ये पाप और पुण्य का चुनाव है, अपने और पराए की पहचान करने का चुनाव है। जिस प्रकार आज आप देख सकते हो गांव के कठवाड़ के अंदर छत्ती बिरादरी के लोग, हर भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और छत्ती बिरादरी का एक एक व्यक्ति, बच्चे से बूढ़े तक, भाई लीला राम जी के साथ है और भारी मतों से जिता करके 25,000 की लीड दिलवा करके भाई लीला राम जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। एक और आपका बयान मैं तो अब भी कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आए, झाड़ू वाला अगर आपके पास वोट मांगने आए तो झाड़ू के साथ उसका स्वागत करो। अगर कांग्रेस का व्यक्ति आपके पास वोट मांगने आए तो हाथ के साथ उसका स्वागत करो। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भाई लीला राम जी आपके पास आए तो कमल का फूल देकर भाई लीला राम जी का स्वागत करो।